साई राम 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 अभी 1 मिनट सो हम वेट करते हैं फिर हमारा दर्शन होगा। एक कोई बच्चा बोले तो मैं तेरा ये स्पीकर का आवाज सेट कर दूंगा। कोई भी साई राम साई राम मैम साई राम मैम साई राम और बोलो साई राम मैम साई राम मैम साई राम मैम। हाँ भाई हो गया माइक सेट हो गया हो गया माइक सेट। चलिए क्लास शुरू करते हैं तो ओंकार करेंगे। प्लीज जॉइन योर हैंड्स क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ओंकार। साई राम। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आज अगला पाठ दसमह तुम असी दसवीं तुम हो। आप लोगों ने स्टोरी शायद बहुत पहले सुन भी रखी होगी इस तरीके की स्टोरी सुन रखी होगी आप लोगों ने दसवीं तुम हो। दसवें तुम हो तो ये स्टोरी संस्कृत में है। इस पाठ के माध्यम से हम क्या करेंगे इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे उसके लिए किसके लिए संस्कृत की गिनतियां। हिंदी में हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी गिनतियां होती हैं हम करते हैं चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो हम हिंदी में गिनतियां सबके लिए एक जैसा प्रयोग करते हैं। परंतु संस्कृत में जो गिनतियां होती हैं वो पुल्लिंग अलग होती है स्त्रीलिंग अलग होती है और नपुंसकलिंग अलग होती है। तो कब तक पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग होती है 4 तक रहती है ना। क्रमवाची शब्द की बात नहीं कर रहे पहला दूसरा तीसरा बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं गिनतियों की 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 1 से लेकर 4 तक जो होती है वो अलग होती है मतलब सब तीनों के अलग अलग लिंग होते हैं और जो 5 से लेकर बाद में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए प्रयोग में एक जैसी आती है। तो आज हम क्योंकि जो बालक है वो पुल्लिंग है तो हम बालक के द्वारा हम गिनतियों को सीखेंगे कि कैसे गिनतियां होती है संस्कृत में। थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं है बस आप पढ़ेंगे। अच्छा आप लोगों ने एक न्यूज भी सुन ली होगी आप लोगों ने है ना कि कोई भी अब वो नहीं होगा क्या प्रमोशन नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं करते कि जनरल प्रमोशन मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल क्लियर आ गया है कि अब कोई भी जनरल प्रमोशन आपका होने वाला नहीं है आप सबको एग्जाम देना ही पड़ेगा। पढ़ा है आप लोगों ने क्योंकि सबसे ज्यादा अटेंडेंस इस क्लास की कम रहती है। यस मैम यस। और कई बार मैसेज देने के बाद भी ये इम्प्रूव नहीं हो रही है। देखिए अभी हार्दिक कलावत आया और वापस चला गया क्योंकि अटेंडेंस सोच रहा होगा अटेंडेंस तो लग ही गई कितने दिनों के बाद हार्दिक कलावत ने ज्वाइन किया था। मैम अटेंडेंस का भी फर्क होगा ना उसमें एग्जाम्स में। हाँ क्यों नहीं होगा अटेंडेंस का भी फर्क होगा और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा बोल दिया गया है कि एग्जाम होगा कोई भी जनरल प्रमोशन नहीं होगा। तो
मैम एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे या फिर स्कूल में आके होंगे? देखो 31 मार्च तक तो क्लियर हो ही गया कि क्लास 8 तक स्कूल नहीं खुलना है ना, तो एग्जाम थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकते हैं, अप्रैल में डाले जा सकते हैं, एग्जाम थोड़ा एक्सटेंड हो सकते हैं, ये बात है। जहां तक है यदि देखिए अभी जैसे मना भी बोल भी दिया है कि 31 तक कोई स्कूल नहीं खुलेगा, ऐसा बोला भी गया है, लेकिन कोरोना कंट्रोल में आ गया तो इस ऑर्डर को भी कैंसिल किया जा सकता है, जल्दी भी खुल सकते हैं। ये फाइनल नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने आपको बोल दिया कि 31 तक स्कूल खुलेगा, उससे पहले 8 तक स्कूल नहीं खुलेगा। हाँ, यदि कोरोना कंट्रोल आ गया तो स्कूल पहले भी खुल सकते हैं। ये बिल्कुल भुलावे में नहीं रहना क्या हमारा स्कूल 31 मार्च तक हमको स्कूल ही नहीं जाना, ठीक है ना? चलिए तो हम क्लास अटेंड करते हैं, मतलब क्लास लेसन देखते हैं, ठीक है? रुको एक सेकंड, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी, रुको जरा, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी। मैं पहले लेसन पूरा चैप्टर समझा देती हूँ, फिर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना? पहले क्या, पहले वीडियो दिखा दो फिर समझ में नहीं आता है, पहले लेसन समझ लो फिर द्वादश। हाँ, यहाँ पर द्वादश पुल्लिंग है, ये क्रम वचन। हाँ, पाठा पाठ, त्वम दशमः दसवें, त्वम माने तुम, असि माने हो, दसवें तुम हो, है ना? दसवें तुम हो, इस तरीके से ये पाठ है। चलिए आप लोग सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। सायरा हो? ओके। यस मैम। दसवें तुम हो, एक स्टोरी के द्वारा, एक दा एक बार, दश। अब देखिए यहां पर आप दशमहा देख रहे हैं, यहां पर आ रहा है दस, दश। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दशमहा माने दसवे, माने क्रमवाची शब्द, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवां नौवां दसवा, ये क्रमवाची शब्द है। और ये दश क्या है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये संख्यावाची, वो क्या है? क्रमवाची, और ये संख्यावाची। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पुल्लिंग है सब, तो यहाँ पर पुल्लिंग, दशमहा स्त्रीलिंग होता तो दशमी, और नपुंसकलिंग होता तो दशमम, ठीक है? लेकिन यहाँ दश जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब में एक जैसे ही प्रयोग होगा, बस 1 2 3 4 अलग अलग रहते हैं और सब उसमें जाते हैं। एक दा एक बार, दश माने दस, बालक माने बालक, स्नानाय माने नहाने के लिए, नदी अगच्छन माने नदी पर गए, एक बार दश बार, दस बालक नहाने के लिए नदी पर गए, ते नदी जले चिरमनम चिरम स्नानम अकुर्वन, ते माने उन्होंने, किन्होंने? बालकों ने, बालकों ने नदी चले, नदी के जल में चिरम माने बहुत देर तक, स्नानम माने स्नान, अकुर्वन माने किया, ये भूतकाल वो है लंग लखा, इसको हमने पहले भी किया था। तथा तब, या इसके बाद, ते माने बे, तीरित्वा माने तैर कर, वे तैर कर पारम गतः माने बाहर निकल आए, किनारे पर आ गए। तदा तेषां नायकः, तदा माने तब, तेषां माने उनके माने बालकों के, नायकः माने नेता ने, अप्रक्षत माने पूछा, तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकः नदीम उत्तीर्णः, सारे बालक नदी से उत्तीर्ण माने बाहर आ गए हैं, निकल आए हैं, सारे बालक नदी से निकल आए हैं। तो तदा तब कश्चित बालकः, किसी बालक ने, अगणयत माने गिना, किसी बालक ने गिना, एकः द्वौ त्रः, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग संख्यावाची चल रहा है, चत्वारः, एक दो तीन चार, यहां तक तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीन होते हैं, जैसे यहाँ पुल्लिंग है ना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, एक दो तीन चार,
ये पढ़ लेंगे क्योंकि बच्चे लड़के हैं। अब स्त्रीलिंग होता तो यहाँ क्या होता, एका द्वे त्रिशः चतुर्थः चतुर्थः, और नपुंसकलिंग होता तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, ठीक है। अब पंच षट सप्त अष्टौ या अष्ट नव और दश, ये चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, इनमें एक जैसे ही प्रयोग आते हैं। तदा तब कश्चित माने किसी बालक माने बालक ने अगणयत माने गिना, एकः द्वौ त्रः चत्वारः पंच षट सप्त अष्टौ नव इति, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ ऐसे। सह स्वयं न अगणयत, उसने अपने आप, उसने सह माने उसने, स्व माने अपने आप को, न माने नहीं, अगणयत माने गिना, उसने अपने आप को नहीं गिना। उसने बालक गिने, जब उसके नायक ने पूछा कि सारे बालक नदी से बाहर आ गए क्या, तो उसने गिनना शुरू किया, तो नौ तक गिना और अपने आप को नहीं गिना। अतः माने इसलिए, सह माने वह, अवदत माने बोला, इसलिए वह बोला नव एव संति, नौ ही है, नव माने नौ, एव माने ही, संति माने है, नौ ही है। दशमः नास्ति, दसवा नहीं है, नौ और दसवा तो नौ ही है, दशमः नास्ति, दसवा नहीं है। अपरः अपि बालकः, पुनः अन्यान बालकान अगणयत, अपरः माने दूसरे, अपि माने भी, दूसरे भी, बालकः माने बालक ने, दूसरे बालक ने भी, पुनः माने दोबारा, अन्यान माने दूसरे, बालकान माने बालकों को, अगणयत माने गिना, दूसरे बालक ने भी दोबारा दूसरे बालकों को गिना। तदा तब दशमः नास्ति, सॉरी तदा तदा अपि, तब उसने भी, नव एव आसन, तब भी क्या थे, तदा माने तब, अपि माने भी, तो तब भी नव एव आसन नौ ही थे, तब भी नौ ही थे। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप को नहीं काउंट कर रहा था। अतः ते निश्चयम अकुर्वन, इसलिए ते माने उन्होंने, निश्चयम अकुर्वन माने निश्चय किया, तब उन्होंने निश्चय किया, यत माने की, तब उन्होंने निश्चय किया कि दशमः नद्या मग्नः, दसवां जो है वो नदी में, मग्नः माने डूब गया है, दसवां नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठत, वे दुखी होकर, तूष्णीम माने चुपचाप, अतिष्ठन माने बैठ गए, वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा माने तब, कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत, तब कोई पथिक माने राहगीर, तत्र माने वहां, आगच्छत माने आया, तब कोई राहगीर वहां आया, सा तान बालकान, उसने उन बालकों को, दुखितान माने दुखी, दृष्टवा माने देखकर, उसने उन बालकों को दुखी देखकर, अप्रक्षत माने पूछा, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, हे बालको, युष्माकं माने तुम्हारे, दुःखस्य माने दुख का, कारणं किम् माने कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत, बालकों के नेता ने कहा, वयम् दशमः बालकाः स्नातुम् तुम आगतम्, हम सब दस बालक नहाने के लिए, आवाज आ रही है ना मेरी, यस मैम, वयम् माने हम सब, दश दश बालकः माने बालक, स्नातुम् माने नहाने के लिए, आगतः माने आए थे, हम दस बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीम् एव नव एव स्मः, अब नौ ही है, अभी तक तो हम दस बालक नहाने के लिए आए थे, अब हम नौ ही है। एका नद्या मग्नः, एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत, राहगीर ने उनको गिना। तत्र दश बालकः एव आसन, वहां दस बालक ही थे। सह नायकम् आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकानां गणय, तुम बालकों को गिनो। स
सहतु नव बालकान एव अगणय, सहतु उसने भी नव बालकान नौ बालकों को ही एवन ही अगणय तो बनेगी ना, उसने भी नौ बालकों को ही गिना। तदा पति कहा अवदर, तब राहगीर बोला दशमः तुमसि, दसवें तुम हो। या क्या समझ में? तत्श्रुत्वा प्रहृष्टा, तब यह सुनकर खुश होकर, भूत्वा माने होकर खुश, भूत्वा माने होकर सर्वे माने सभी गृहम अगच्छन् माने घर चले गए। तब सब खुश होकर घर चले। इस बीच में कट रही है ये तो सब। नो मैम, चलिए अभी हम क्या करते हैं, अब हम वीडियो देखते हैं टाटा एस से, है ना। टाटा एस के द्वारा हम वीडियो देखेंगे और देखेंगे उसको वो एक्सप्लेन कैसे करना है। दशमः द्वामासी, आवाज आपके पास पहुंच रही है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, क्या आपको गिनती आती है? जरूर आती होगी, पर गिनती आने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सही तरीके से गिनना। मैम आपके और प्रेजेंटेशन के माइक में कभी कभी गलत गिनती से बहुत कर दी। आइए ऐसी ही एक मैं अपना कर दूं आधारित एक पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है दशमः द्वामासी। एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार दस बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने बहुत देर तक नदी के जल में स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारं गतः। उसके पश्चात वे तैरकर नदी के पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकः नदीम उत्तीर्णः। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। तब एक बालक ने गणना की, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस तरह। सः स्वं न अगणयत्, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः सह अवदत्, नव एव संति। अतः उसने कहा, नौ ही हैं। दशमः न अस्ति, दसवा नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी नौ ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। अतः उन्होंने निश्चय किया कि दसवां बालक नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तब एक पथिक वहां आया। सः तान बालकान् दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालका युष्माकं दुखस्य कारणं किम्, हे बच्चों तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? बालका नाम नायकः अकथयत्, वयम् दश बालकाः स्नातुम् आगताः। बालकों के नायक ने कहा, हम दस लड़के स्नान के लिए आए थे। इदानीं नव एव स्मः, अब हम नौ ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है।
पथिकः तान अगणयत् यात्री ने उन्हें गिना तत्र दश बालकः एव आसन् वहां दस बालक ही थे सह नायकम आदिशत् त्वं बालकान् गणय उसने नायक को आदेश दिया तुम बालकों को गिनो सह तु नव बालकान् एव अगणयत् उसने नौ बालक ही गिने तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वं असि इति तब पथिक ने कहा दसवें तुम हो तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहं अगच्छन् यह सुनकर सब खुश होकर घर चले गए अच्छा मैं प्रेजेंटेशन वाला माइक ऑन रहेगा तो मैं बोलूंगी तो आपको सुनाई देगा क्या नो मैम तो अभी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन वाला ऑफ कर देती हूँ क्योंकि अब वीडियो नहीं है है ना तो प्रेजेंटेशन वाला ऑफ कर देती हूँ ठीक है ना मैम वीडियो नहीं है तो प्रेजेंटेशन वाला ऑफ कर देती हूँ चलिए चलिए यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तर मैंने इस पर उसको पढ़कर आपको सही उत्तर देना है तो देखिए पथिकः तान अकथयत् तत्र तश बालका एव आसन् सह नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणय सा तु नव बालकान् एव अगणयत् उसने भी नव बालकों को ही गिना पहला प्रश्न है नायकः कति बालकान् अगणयत् नायक ने कितने बालक गिने कति माने कितने नव नव ओके नव ये सही जवाब है चलिए अगला प्रश्न हमारा आएगा दश बालकान् का अगणयत् दस बालकों को किसने गिना पथिकः तान् सह गणयत् किसने गिना था कि दस पथिकः पथिकः पथिका ओके सही जवाब है आपका चलिए नेक्स्ट अब आया इसका तीसरा प्रश्न अगणयत अभी मैंने बताया था लकार बताया था मैंने अत्र कह लकार प्रयुक्त लट लकार लट लकार लंग लकार लंग लकार चलिए सही जवाब अब आगे अब पैराग्राफ फिर से बदल गया है ना पैराग्राफ बदल गया है तो मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत् सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालका युष्माकं दुःखस्य कारणं किम् बालकानां नायकः अवदत् वयं दश बालका स्नातु आगतः दुःखिता केन आसन् दुखी कौन था तदा पथिकः बालिकाः चलिए सही जवाब है आपका चलिए अगला प्रश्न हमारा इसी में फिर से होगा तद बालकान दुखितान दृष्ट्वा क अपृच्छत् दुखी बालकों को देखकर किसने पूछा नायकः पथिकः तान् तत्र पथिक माने राहगीर यात्री पथिका माने राहगीर कश्चित पथिका अनयो पदयो इन दोनों पदों में से विशेषण पदम किम अस्ति विशेषण पद क्या है कश्चित पथिक कश्चित मतलब हाँ कश्चित माने कोई
संज्ञा है ना, सॉरी सर्वनाम है ना। अरे बाबा क्या बोले, इसका विशेषण है कोई पथिक। अब आ जाता ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला लेते हैं, पाठ आधारित अभ्यास प्रश्न है इसमें भी खुल रहा है। चलिए अधोलिखिता नाम सर्वेशम, यहाँ पर थोड़ी मात्राओं की शुद्धि रहती है तो आप अपने पाठ को खोल के रखिए, है ना। एक्सरसाइज आप लोग खोल के रखा करें, अभी तो यहाँ पर थोड़े से वो आ रहे हैं। उत्तराणी संस्कृत में लेखनी आमी, माने नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखना है। अधोलिखितम अनुच्छेद द्वयम पठित्वा, नीचे लिखे दो अनुच्छेद को पढ़कर दत्त प्रश्नान उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला अनुच्छेद है एकदा बालकः, सर एकदा दश बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन् ते नदीम जले चिरम स्नानम अकुर्वन् ततः ते तीरित्वा पारंगतः तदा तेषां इतिषां लिखितवान् नायकः अप्रक्षत् अपि सर्वे बालकः नदीम उत्तीर्णः। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है एक पद में, माने एक पद में आंसर देना है, वन वर्ड आंसर। कति बालकाः स्नानाय गच्छन्, दशम बालकाः, दशम बालक, दशम कैसे हो गया, दश बालक, केवल दश, दश बालक, अनुच्छेद को भी देख लिया करो थोड़ा सा। दश बालकाः स्नानाय गच्छन्, पूर्ण वाक्येन उत्तर, माने फुल सेंटेंस उत्तर देना है। बालकाः नदी जले किम अकुर्वन्, बोलो बालकाः नदी जले, जले ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। देखिए ते नहीं आएगा, प्रश्न पे ही आएगा ये ते, बालकाः है संज्ञा है और ते सर्वनाम है, तो यहाँ पर बालिका शब्द का ही प्रयोग नहीं। बालकाः नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, सर्वे बालकाः अनयो पदयो, अनयो पदम माने इन दोनों पदों में से विशेषण पदम के मस्ति, विशेषण पद कौन सा है, सर्वे या बालकाः, कौन सा विशेषण पद है, सर्वे, सर्वे, गुड। बालका तो संज्ञा है ना। चलिए अब आता है दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में हम देखिए पढ़ेंगे तदा कर्षित पथिकाः तत्र आगच्छत्, तब वहां कोई एक पथिक आया, सात तान बालकान दुखितान दृष्टवा प्रक्षत, उसने उसने वहां उन बालकों को दुखी देकर पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, कि बालको तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायिका कहते हैं, बालक के नायक ने कहा या नेता ने कहा, वयम दशः बालकाः स्नानार्थम् आगताः, हम दस बालक स्नान करने के लिए आए थे। चलिए यहाँ पर फिर हम एक पद में आंसर करेंगे, वन वर्ड आंसर, बालकाः किमर्थम आगतः, बालक किसमें आए थे, क्वेश्चन समझ लीजिए, बालकाः किमर्थम आगतः, बालक किस लिए आए थे, स्नानम, स्नातुम, स्नानाय नहीं, स्नातुम, किमर्थम किस लिए, इसलिए नहाने के लिए, तुमन प्रत्यय के लिए बताया था ना मैंने, तुमन प्रत्यय के का प्रयोग होता है के लिए, नहाने के लिए। ओके चलो तो अगला शब्द आएगा स्नातुम, पथिकः बालकान किम अप्रक्षत, ये पूरे उसमें आएगा, इसमें लिखा नहीं है, सेंटेंस में आएगा, पथिकः बालकान किम अप्रक्षत, कोई आंसर दे पाएगा, मैम मैं आए अतिशय, हाँ बोलिए, बालकान दुखितान दृष्ट्वा, नहीं नहीं नहीं, पिछली बार भी आपने ऐसे ही किया था, सेंटेंस नहीं पढ़ना है, आपको आंसर देने आना चाहिए, आंसर पथिकः बालकान अप्रक्षत, पथिक ने बालकों से पूछा कि मट जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन वाला शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द मट जाएगा तो शुरू होगा आंसर, पथिकः बालकान अप्रक्षत, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, ये आ जाएगा। अब है गद्यांशात् चित्वा द्वे अव्यय पदे लिखत, गद्यांश से चुनकर दो अव्यय पद लिखिए,
बताइए इसे कौन कौन से दो अव्यय पद है। पहले तो सारे अव्यय पद बताओ सुपर। तदा ओके तदा पत्र ओके हम एक बार वो दिखा दीजिए पैराग्राफ। हाँ पैराग्राफ ये है ना तदा कश्चित सह नहीं तो सर्वनाम सिर्फ दो है तदा और तत्र। चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें है एक ही पेज था। चलिए हम इसको खोलते हैं। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतमेव लिखानि माने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही लिखिए। अधोलिखितानां पद परिचय कृत्वा लिखत नीचे लिखे हुए पद का परिचय करके लिखिए। निम्नलिखित पदों का परिचय लिखिए। अब चलिए बालकान नायकेन और तेषां यहाँ षटकोण वाला सा आएगा तो मूल शब्द हम यहाँ लिखेंगे बालकान नायकेन तेषां। अब बालकान का मूल शब्द क्या होगा बालका बालक बालक होगा। नायक का नायकेन का नायक नायक तेषां का तेषा नहीं तत् ये ना मूल शब्द तो तद है ना तत् तद ठीक है ना तो तद हो जाएगा या तत् तद। चलिए तत् और एतत् पढ़े ना सर्वनाम रिपीट कराएंगे तब तो मूल शब्द हो गया बालक बालक नायक और तत्। अब हम आ जाते हैं इसमें कुछ सेवा पर मूल शब्द के बाद आ जाते हैं हम विभक्ति नहीं लिंग सॉरी लिंग ये तो ये तीनों ही पुल्लिंग है बालक भी पुल्लिंग है नायक भी पुल्लिंग है और तेषां भी पुल्लिंग है। फिर आ जाते हैं हम विभक्ति बालकान में कौन सी विभक्ति लगी हुई है चतुर्थी चतुर्थी देखो जरा मतलब आप लोग शब्द रूप याद नहीं कर रहे अभी जैसे ही द्वितीया विभक्ति बहुवचन में द्वितीया बहुवचन नायकन में कौन सी नायकन में कौन सी लगी हुई है नायक कौन शब्द है नायकन क्या हो गया कौन सी द्वितीया एक वचन द्वितीया एक वचन द्वितीया एक वचन तेषां तेषां में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है मैम द्वितीया बहुवचन नहीं षष्ठी व्यक्ति तो द्वितीय बहुवचन तृतीय एक वचन षष्ठी बहुवचन बहुवचन देखिए अंतर अभी इसका आंसर आएगा यहां देखिए बालकान नायकेन तेषां बालक नायक और तत् मूल शब्द है पुल्लिंग 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 लिंग है पुरुष हम यहाँ पर मूल धातु लकार और पुरुष इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये धातु रूप नहीं है ये शब्द रूप है इसलिए द्वितीय तृतीय षष्ठी बहुवचन एक वचन और बहुवचन ठीक है। चलिए अब हम नीचे आएंगे वापस अगले प्रश्न पर। यदि शब्द का परिचय होता है तो उसमें मूल शब्द आते हैं लिंग आता है विभक्ति आती है और वचन आता है ये चार चीजें रहती हैं। यदि हम शब्द का परिचय दे रहे हैं तो मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन यदि हम धातु का परिचय दे रहे हैं तो मूल धातु लका पुरुष धातु होता है तो मूल धातु लका पुरुष और वचन इस तरीके से आता है। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें अटक गया तो आप लोग धातु रूप और शब्द रूप याद करिए क्योंकि अभी जैसे ही दो कितना ये कौन सा लेसन है आपका लेसन 12 है ना 13, 14, 15 तीन हो जाएंगे उसके बाद तुरंत ही आप लोगों को फिर रिवीजन शुरू कराया जाएगा और आपके टेस्ट लिए जाएंगे कंटिन्यू।
टेस्ट मैं नहीं लूंगी, एक एक बच्चा एक एक दिन अपना तैयारी करके आएगा और टेस्ट लेगा, तैयारी भी होगी साथ साथ में। चलिए हम वापस अभी इसमें आ जाते हैं, तब तक चल रहा है उसको थोड़ी देर चलने दो, फिर स्टार्ट कर लेंगे। हाँ चलिए देखते हैं, दोबारा से खोल के देखते हैं, शायद आ जाए। चलिए इसको ये नहीं आ रहा है, इसको बंद कर देते हैं। इज नॉट विजिबल। हाँ अब मैं नहीं, मैं एक्सरसाइज उसकी करानी है ना, तो मैं दीक्षा खोल लेती, दीक्षा पे आ जाएगा अच्छे से, दीक्षा पे पूरा आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, पहला है पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जैसे पुल्लिंग एकः, स्त्रीलिंग एका, नपुंसकलिंग एकम। पुल्लिंग द्वे, स्त्रीलिंग द्वे, नहीं सॉरी, पुल्लिंग द्वौ, स्त्रीलिंग द्वे, नपुंसकलिंग द्वे। पुल्लिंग त्रयः, स्त्रीलिंग तिस्रः, नपुंसकलिंग त्रीणि। पुल्लिंग चत्वारः, स्त्रीलिंग चतुस्त्रः और नपुंसकलिंग चत्वारि। और देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पांच छह सात आठ नौ दस तक एक समान रहते हैं। पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। समझ में आ गया? सिर्फ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग एक से लेकर चार तक ही अलग अलग होते हैं, और पांच से लेकर दस तक तो क्या हो जाते हैं, मास के बाद, सॉरी दस तक नहीं, पांच के बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग की गिनतियां जो होती है वो एक जैसी रहती है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ कति बालकः स्नानाय अगच्छन्, तो हमने पढ़ा था दश बालकः। ते स्नानाय कुत्र गच्छन्, तो नदी। ते कम निश्चय अकुर्वन्, ते निश्चय अकुर्वन्। दशमः नद्यां निबन्धः, मार्गे कः अगच्छत्, मार्गे पथिकः, सॉरी चाहिए एक बच्चे नहीं है पूर्ण वाक्य नहीं। अच्छा दश बालकः स्नानाय गच्छन्, ते स्नानं नदीम अगच्छन्, ते निश्चयम अकुर्वन्, इसमें से हटा देती है। दशमः नद्यां निमग्नः, मार्गे कः अगच्छत्, मार्गे पथिकः अगच्छत्। पथिकः किम अवदत्, पथिकः अवदत् क्या, वो जो था ये इसमें से पढ़ते बताइए, अवदत क्या, पथकः अवदत् दशमः त्वमसि, इतना आंसर, पथकः अवदत् दशमः त्वमसि। चलिए आगे जा रहे हैं हम लोग। शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, माने यस टिक लाना यस, अशुद्ध कथनानाम समक्षम माने सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाना। दश बालकः स्नानाय गच्छन् सही, यस ओके सही। सर्वे सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन् गलत गलत नो गलत। ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्, बालका स्वयं न अवर्णयत, उसने स्वयं को नहीं गिना, यस सही है। हाँ सही। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया, गलत गलत। ते सुखितः तुष्णीम अतिष्ठत, सुखी से चुपचाप बैठे हुए थे, गलत गलत। दुखी होकर बैठे हुए थे, कोई बालक नहीं, वो कोई यात्री नहीं आया, गलत गलत। आया था यात्री ना, नायकः अवदत् दशमः त्वमसि, नायक ने कहा था कि दसवें तुम हो, सही नहीं, पथिक ने कहा था, गलत है गलत है ये, पथिक ने कहा था।
ते सर्वे प्रहस्ता भूत्वा गृहम अगच्छन्। सही, खुश होकर सफर कर गए। सही, मंजुषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। गणित्वा मने गिनकर, श्रुत्वा मने सुनकर, दृष्ट्वा मने देखकर, कृत्वा मने करके, गृहीत्वा मने ग्रहण करके लेकर के, तीरित्वा मने तैर करके। ते बालकाः नद्याम उत्तीर्णः, कैसे नदी को पार किया? पथिक बालकान दुखितान अप्रक्षत। पथिक ने दुखी बालकों को पूछा कैसे? दृष्ट्वा, देख, दृष्ट्वा माने देखा। चलिए उसके बाद अगला है, पुस्तकानि विद्यालय गच्छ। पुस्तक को विद्यालय जाओ, पुस्तक विद्यालय जाओ, ग्रहित्वा पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम डैश सर्वे मुदितः गृहम अगच्छन्। पथिक की बात को सुनकर, हाँ श्रुत्वा, सभी खुश होकर कर गए। पथिक बालकान डैश अकथयत दशमः तम अस्सी। गुणित्वा करके है ना, नहीं नहीं नहीं, गणित्वा होगा इसमें, गणित्वा शब्द आएगा। गणित्वा माने गिनकर, हाँ क्योंकि लास्ट है मोहनः कार्यम डैश गृहम गच्छति। हाँ चलिए अब यहाँ पुस्तकों चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत। चित्रों को देखकर संख्या लिखनी है। अष्टकंदुकानि, गुड, वेरी गुड। कितने स्त्रीलिंग है ये? तिष्ठः चटकाः, गुड। पुस्तकम् एकं पुस्तकम्, गुड गुड। हाँ मयूरौ बालिके, दस पत्राणि हो गया कंप्लीट। चलिए हम वापस सबमिट पर आते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों ने तो आज किया है, आए हैं 17 तक बच्चे आए हैं, लेकिन वो सब अपने अटेंडेंस लगा लगा के उन्होंने अपना जाना शुरू किया है। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आएंगे जब समझ आएगा कि अब हम, हाँ मैम पिछली क्लास में भी 17-18 लोग ही आए थे। नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोगों को सबको समझ आएगा कि हम, देखिए ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फिर भी बता रही हूँ, ये जो समस्या उत्पन्न हुई है कि हमको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, ये हमारे लिए एक सीखने का विषय भी है। हम इसको नेगेटिव ना लें, क्योंकि हम 6th क्लास के सिलेबस को समझेंगे, पढ़ेंगे, जितना भी करेंगे, एकदम मिल तो नहीं रहेंगे ना, एकदम मिल तो नहीं रहेंगे ना। 7th में जाने से पहले हमको इतने भारी भरकम सिलेबस को पढ़ने की आदत तो बनेगी। 5th तक 4 सब्जेक्ट रहते थे, अब और सब्जेक्ट बढ़ गए, तो उन सब्जेक्ट को पढ़ने की हमें हैबिट भी तो होनी चाहिए। तो घर में रहकर भी डेवलप कर ले और क्लासेस ज्वाइन करते रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। आपने अपने ग्रुप के बच्चों से संपर्क किया? यस मैम। यस मैम। फोन लगाया? यस मैम। यस मैम। अच्छा कौन से बच्चे, मैं अनुष्का से पूछना चाहूंगी, ऐसे कौन से गर्ल्स हैं जिनके साथ आपका संपर्क नहीं हो पाया? मैम अभी तक आशिका, मुस्कान, सलोनी तक मेरा संपर्क नहीं हुआ है। सलोनी तो क्लास में ही होगी आज, है क्या? सूर्यांश है तो सलोनी भी होगी क्लास में, नहीं है? एक सेकंड में देखती हूँ। मैम है सलोनी, है सलोनी,
है ना, ध्यान दो। यस मैम। ठीक है, अब आते हैं अंशिका। अशिका वाले भी, अशिका वाले भी है तुम्हें, उसके फादर यही है, तो मैं उनको बोलूंगी तो वो आपके साथ डिस्कस करेगी। ओके, मुस्कान तो शायद आज मैंने देखा कि पिछली क्लास में थी, आज मुस्कान अभी है क्या इस क्लास में, आई है क्या, आज ज्वाइन किया मुस्कान ने? मैम आज तो चली गई। मैम आज किया था मैम, लेकिन उसकी बहन के आईडी से किया था। हाँ, क्योंकि आज मैंने अभी अपनी भी क्लास में उसको देखा है, मुस्कान को, वो पिछली क्लास में भी, सागर सर की क्लास में भी मैं देख रही थी कि मुस्कान थी अटेंडेंस में। तो देखो और करो संपर्क। देवांश, आपके किस बच्चे के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है? मैम प्रत्युष्म। प्रत्युष्म, प्रत्युष्म तो क्लास में आता है, आज नहीं आया होगा प्रत्युष्म। मैम है, हाँ बोलो सूर्यांश, बोलो बोलो। मैम है प्रत्युष में क्लास में, मैम है प्रत्युष्म क्लास में है। यस मैम। प्रत्युष अपना माइक ऑन करो, वीडियो चाहे पहले मत करो, ऑडियो ऑन करो, माइक ऑन करो बेटा। प्रत्युष्म, प्रत्युष्म, ओके कोई बात नहीं, चलिए ठीक है ना। और गौरिक आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मैम मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, सबसे संपर्क हो गया। टोटल पूरी क्लास के सारे बच्चों से हो गया है ना? नो मैम, मेरे ग्रुप में जितने बच्चे हैं। अच्छा, और भी जो बच्चे अटेंडेंस अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको भी एक बार करने की कोशिश करो। देवांश और गौरिक तुम दोनों लोग मिलो, क्लास लिस्ट निकालो ठीक है ना? ओके मैम। कौन से बच्चे जो रह गए हैं उनके साथ एक बार संपर्क करो, उनके साथ एक मीटिंग करो आप लोग। मैम आज हम लोगों ने तो मीटिंग भी रखी है हमारे ग्रुप। मैम आज हम लोगों ने मीटिंग भी रखी है ग्रुप डिस्कशन के लिए। हाँ तो ग्रुप डिस्कशन के लिए मीटिंग, हाँ तो आपने भी रखी है गौरी? हाँ तो ग्रुप डिस्कशन करो, क्योंकि हम फिर मंडे को फिर हमारा शुरू हो जाएगा। अभी आज और कल तीन दिन है हमारे पास, हम मंडे को आपसे पूछेंगे कि आपका वर्क कहाँ तक पहुंचा है, मतलब क्या क्या आइडियाज आ गए हैं आपके पास, तो एक बार मुझसे डिस्कस करेंगे आप मंडे ना? फिर ट्यूसडे मंडे एक दिन हम कर लेंगे केवल मंडे को, फिर सारे बच्चे इस पर रिपोर्ट करते रहेंगे उनको अपने ग्रुप लीडर को, और ग्रुप लीडर थोड़ी सी ब्रीफिंग हमें करते रहेंगे तो हमारे क्लास चलेगी तब, तो हम एक्स्ट्रा क्लास फिर नहीं लेंगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ एक एक्स्ट्रा क्लास लेके हम कुछ अपना दिखाना चाहते हैं प्री प्रेजेंटेशन, तो हम उसको भी अरेंज कर देंगे ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो मैम। चलो साईराम शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साईराम, साईराम मैम, थैंक यू मैम। साईराम मैम, साईराम मैम। ओके गौरिक, गौरिक